मित्रों, आज इस कार्यक्रम में आप सभी का पार्टी की ओर से स्वागत करता हूं। देश के सबसे बड़े प्रदेश में विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है। 9 मार्च को यह तय हो जाएगा। इस महान उत्तर प्रदेश की जनता किसको अगले 5 साल के लिए अपने शासन की धुरा किसके हाथ में सब थमाने वाले हैं। जिस प्रकार से विगत 1 साल से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश के चप्पे चप्पे में, गांव गांव में, नगर नगर में, हर एक शहर में, मोहल्ले में, गली कूचे में जाकर जनसंपर्क किए हैं और वहां से जो हमें फीडबैक मिला है उसके आधार पर मैं विश्वास के साथ आपको बताना चाहता हूं कि अगली सरकार उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है और 2/3 बहुमत के साथ। मित्रों, हम बहुपक्षीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में भी संसदीय पार्लियामेंट्री सिस्टम को हमने अडॉप्ट किया। इसमें चुनाव का बहुत महत्व है। हर पार्टी अपना अपना दृष्टिकोण, अपने सिद्धांत और आने वाले समय के लिए सरकार का एजेंडा लेकर जनता के बीच में जाती है। अगर लोकतंत्र को मजबूत करना है तो यह व्यवस्था को और यह परंपरा को बहुत मजबूत करना। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने इस बार उत्तर प्रदेश के अंदर एक प्रयोग किया और एक प्रयोग के अंतर्गत हमने उत्तर प्रदेश की पूरी जनता का आकांक्षा जानने का प्रयास। शहर में रहने वाला व्यक्ति हो, गृहिणी महिला हो, कॉलेज में पढ़ने वाली छात्रा हो, बेरोजगार नौजवान हो, खेत मजदूर हो, किसान हो, छोटा सा व्यापार करने वाला व्यापारी हो या बड़ा उद्योग, पिछड़ा हो, दलित हो, गरीब हो, सबकी आकांक्षाओं को हमने जानना चाहा कि जनता उत्तर प्रदेश की बनने वाली सरकार से क्या चाहती है। और एक आकांक्षा जानने की प्रक्रिया में हमने लगभग 10 करोड़ लोगों का संपर्क किया है। यूपी के मन की बात के नाम से हमने कार्यक्रम हाथ में लिया, 30 लाख से ज्यादा लोगों का अभिप्राय लिया है, मिस कॉल के माध्यम से, आकांक्षा पेटी के माध्यम से, वीडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से और बहुत सारे ढेर सारे बढ़िया। इसके अलावा भी परिवर्तन यात्रा देश भर प्रदेश भर में 16,000 किलोमीटर और 192 दिन तक लगभग 5,000 छोटी मोटी सभाएं करकर चली और जनता से सीधा संवाद किया। इसका समारोह देश के प्रधानमंत्री 2 जनवरी को रमाबाई अंबेडकर मैदान में ऐतिहासिक रैली में किए और वहां उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि उत्तर प्रदेश को भारतीय जनता पार्टी एक विकासशील राज्य बनाने के लिए निश्चय है। मित्रों, उत्तर प्रदेश का जब चुनाव हो रहा है उस वक्त मैं हमारे संकल्प पत्र के मुद्दों पर आने से पहले थोड़ी बात बताना चाहता हूं। 15 साल से उत्तर प्रदेश में सपा बसपा बसपा सपा की सरकारें चली। 15 साल किसी व्यक्ति के जीवन में बहुत बड़ा समय होता है, किसी प्रांत के प्रदेश के जीवन में भी बहुत बड़ा समय होता है और इसी 15 साल के कालखंड के अंदर देश भर में कई प्रदेश ऐसे जो उत्तर प्रदेश से भी पिछड़े थे और वो बहुत आगे निकल गए, मगर विकास की रेस में उत्तर प्रदेश बहुत पिछड़े। 15 साल पहले, लगभग 17-18 साल पहले एक बीमारू राज्य का फेज शुरू हुआ। बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, ये 4 राज्य जो विकास की दृष्टि से पिछड़े हुए थे उनको बीमार राज्य के फेस में किसी व्यक्ति ने ढाला और कहा कि जब तक बीमार राज्यों का विकास नहीं होता देश का विकास संभव नहीं। हमें राजस्थान में मौका मिला, आज राजस्थान बीमार राज्य की सूची से बाहर। हमें मध्य प्रदेश में मौका मिला, मध्य प्रदेश आज बीमार राज्य की सूची से बाहर। हमें छत्तीसगढ़ में मौका मिला तो मध्य प्रदेश का
भी आत्मानु राज्य की सूची के बाहर। हमें जब तक बिहार में मौका मिला हमने बहुत प्रयास किया, और मैं आप सब के माध्यम से उत्तर प्रदेश की जनता को कहना चाहता हूं, एक मौका भारतीय जनता पार्टी को दीजिए, हम उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य की सूची से 5 ही साल में बाहर निकालकर देश का एक बहुत प्रगतिशील राज्य बनाने के लिए निश्चय। हमने कल कर 2014 का जनादेश देश की संसदीय इतिहास के अंदर ऐतिहासिक जनादेश, 30 साल के बाद देश की जनता ने किसी एक पार्टी को पूर्ण बहुमत दिया, और आजादी के बाद पहली बार कांग्रेस के अलावा किसी पार्टी को पूर्ण बहुमत देने का काम किया, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक सरकार। मित्रों, मुझे कहने में कोई झिझक नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नाते मैं हृदय से आज इस प्रेस वार्ता के माध्यम से पूरी उत्तर प्रदेश की जनता का धन्यवाद करना चाहता हूं। अगर उत्तर प्रदेश की जनता 80 में से 73 सीट भारतीय जनता पार्टी को न देती तो हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार संभव नहीं होती। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को उत्तर प्रदेश की जनता ने बहुत मन खोल कर आशीर्वाद दिया, मगर फिर भी केंद्र में सरकार होने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के लिए कुछ ज्यादा नहीं कर सकती। मोदी जी स्वयं यहां से सांसद है, सारी योजनाएं बनी है, बजट उपलब्ध है, योजनाओं का ताता लगा हुआ है, हर 15 दिन में एक योजना बनाकर केंद्र सरकार नीचे भेजती है, मगर यूपी सरकार जो है वो योजनाओं को नीचे पहुंचती नहीं। जब तक लखनऊ में बैठी हुई सरकार का परिवर्तन नहीं होता, अकेली केंद्र सरकार उत्तर प्रदेश का विकास नहीं कर सकती, क्योंकि बुनियादी जो काम है, लोगों के रोजमर्रा के काम, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे शुद्ध पीने का पानी हो, चाहे गटर व्यवस्था हो, चाहे कानून व्यवस्था हो, चाहे बिजली हो, ये स्वास्थ्य हो, ये सारे काम हमारे संविधान ने राज्यों के जिम्मे दिए हैं। तो इसलिए जब तक यहाँ पर एक विकास करने वाली सरकार नहीं होती, उत्तर प्रदेश का विकास नहीं होता। बहुत सारे ऐसे उदाहरण, में लंबी बात नहीं करना चाहता, 2-3 बातें कहना चाहता। हमारी सरकार बनने के बाद हर साल यूपीए सरकार से हमने उत्तर प्रदेश में 1,00,000 करोड़ रुपया ज्यादा भेजा है। मित्रों, 1,00,000 करोड़, मगर जमीनी कोई परिवर्तन दिखाई नहीं पड़ता। 2.5 साल में 2.5 लाख करोड़ रुपया ज्यादा हमने भेजा है। मैं पूछना चाहता हूं श्रीमान अखिलेश जी से कि वो पैसा कहां, क्यों गांव की व्यवस्था नहीं सुधरती, क्यों रोड नहीं सुधरते, क्यों 24 घंटा बिजली नहीं आती, क्यों स्वास्थ्य सेवाएं नहीं सुधरी, क्यों हर शाला में शिक्षक नहीं होता, हर शिक्षक के लिए कमरा क्यों नहीं बना। ये सारे सवालों के जवाब अखिलेश जी आपको देने पड़ेंगे। गठबंधन करकर उत्तर प्रदेश की जनता की आंख में आप भूल नहीं। उत्तर प्रदेश के अंदर कानून और व्यवस्था की जो स्थिति है वो देश में सबसे बदतर स्थिति उत्तर प्रदेश। गांव गांव के अंदर सत्ताधारी पार्टी के गुंडों ने जमीन हथियाई, महिलाएं सुरक्षित, बुलंदशहर जैसी शर्मनाक घटनाएं, मथुरा कांड जैसी घटनाएं हुई, खनन माफिया, रोड माफिया, कई प्रकार के माफिया उत्तर प्रदेश की जनता को त्रस्त किया। इसका जवाब अखिलेश जी ने उत्तर प्रदेश की जनता को देना। मित्रों, पश्चिम के क्षेत्र में पलायन का मुद्दा हो या थाने में FIR दर्ज कराने की बात, कोई सरकार अगर वोट बैंक की राजनीति के कारण तुष्टिकरण करके चलती है तो वो सरकार सब नागरिकों को न्याय नहीं दे सकती। उत्तर प्रदेश की स्थिति के बारे में मैं बहुत ज्यादा कहना नहीं चाहता। मित्रों, हम एक संकल्प लेकर उत्तर प्रदेश की जनता के सामने आए हैं कि उत्तर प्रदेश 15 साल में बहुत पिछड़ गया। सपा बसपा बसपा सपा के हिंदम ने उत्तर प्रदेश को बहुत नीचे किया। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी सरकार बनाने के लिए आगे आई है कि जो सरकार 15 साल का खामियाजा 5 ही साल में पूरा कर, और अगर ये करना है तो हमारा जो संकल्प पत्र है वो इस तरह से हमने बनाया है, लाखों लोगों के अभिप्राय लेकर, उनकी आकांक्षाओं को जानकर, और जिस प्रकार से नरेंद्र भाई देश के प्रधानमंत्री के नाते काम करें, उसी तरह से उत्तर प्रदेश उनके नेतृत्व में भारतीय
काले धन पर जिस प्रकार का प्रहार भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है, उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ। हमारा ट्रैक रिकॉर्ड, हमने कभी जाति की राजनीति नहीं, हमने परिवार की राजनीति नहीं, हमने सिद्धांतों की राजनीति की है, हमने विकास की राजनीति की है। उत्तर प्रदेश की मतगणना होने के साथ ही उत्तर प्रदेश के अंदर जाति की राजनीति का मृत्यु घंट बनने वाला है। उत्तर प्रदेश में परिवारवाद की राजनीति का मृत्यु घंट बजने वाला है और उत्तर प्रदेश में पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस की शुरुआत होने वाली है। जो जनता का काम करेगा वो उत्तर प्रदेश पर शासन करेगा। ये नए प्रकार की राजनीति का आगाज ये काउंटिंग के साथ होने वाला है। मित्रों, बहुत सारे विचार करने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने अपना घोषणा पत्र 9 विभागों में बांटा है। हमारा संकल्प पत्र कृषि विकास का बने आधार, ना गुंडाराज ना भ्रष्टाचार, हर युवा को मिलेगा रोजगार, गरीबी से मुक्ति का सपना साकार, शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता का विस्तार, बुनियादी विकास मजबूत आधार, विकसित उद्योग, सुगम व्यापार, सशक्त नारी, समान अधिकार, स्वस्थ हो हर घर हर परिवार, इन 9 मुद्दों में हमने इस हमारे संकल्प पत्र को बांटा है। बहुत लंबी सूची है, इसके कुछ मुद्दे मैं आपके सामने बताना चाहता हूँ। मित्रों, उत्तर प्रदेश का किसान बहुत खराब हालत से गुजर रहा है। उत्तर प्रदेश के किसान को अगर एक लंबी छलांग लगानी है, कृषि विकास दर को 10% से आगे ले जाना है, तो उसको एक प्लेटफॉर्म देना पड़ेगा, इसकी मदद करनी पड़ेगी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि आने वाली सरकार उत्तर प्रदेश के सभी लघु एवं सीमांत किसानों का फसली ऋण 100% माफ कर उनको एक प्लेटफॉर्म देने का काम करेगा। सभी लघु एवं सीमांत किसान को जो फसली ऋण बाद में दिया जाए वो ऋण 0% इंटरेस्ट से दिया जाएगा। किसानों से आगे पर ऋण पर किसी भी प्रकार का ब्याज नहीं दिया जाएगा। भविष्य में गन्ना किसान जब फसल बेचने के लिए चीनी मिल के सामने जाएगा, अपने ट्रैक्टर से गन्ना उतारेगा, उसका वजन कराएगा, उसको उसी वक्त 14 दिन के बाद के डेट का चेक मिल की ओर से दे दिया जाएगा। ये भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार सुनिश्चित करेगी। अभी जो 6,000 करोड़ रुपया बकाया है उसको 120 दिन के भीतर बैंक कलेक्टर और चीनी मिल को मिलों के समन्वय से 120 दिन के अंदर इसका पूर्ण भुगतान करा दिया है। भूमिहीन कृषि मजदूरों को 2,00,000 रुपए का बीमा बनने वाली सरकार भाजपा सरकार देगी। सरकार अभी जो सरकार चाहे वो सपा की है बसपा की, भाजपा की सरकार जाने के बाद किसान का ध्यान किसी ने नहीं किया। हम उत्तर प्रदेश के किसानों को आश्वस्त करना चाहते हैं मित्रों कि एक एक किलो उन्होंने अपनी जमीन से पकाया हुआ धान उत्तर प्रदेश की सरकार समर्थन मूल्य से 100% खरीद कर लेगी। धान के लिए किसान को शोषित नहीं होना पड़ेगा। मित्रों, 20,000 करोड़ के फंड के साथ मुख्यमंत्री कृषि सिंचाई फंड की शुरुआत करी जाएगी और उसमें बुंदेलखंड को हम विशेष प्रायोरिटी देंगे। अगले 5 साल में उत्तर प्रदेश में श्वेत क्रांति लाने के लिए 150 करोड़ के फंड से डेयरी विकास फंड की स्थापना की जाएगी और हर 4 जिलों के बीच में एक नई डेयरी, संपूर्ण डेयरी अमूल की पेटेंट पर बनाने का काम किया जाएगा। मित्रों, पशुधन जब खराब मौसम आता है, चाहे अकाल आता है चाहे बाढ़ आता है, किसान की फसल जब बर्बाद हो जाती है तब उसका एकमात्र सहारा होता है ये यांत्रिक कत्ल खानों ने उत्तर प्रदेश में पशुधन को लगभग समाप्त कर दिया। हम चाहते हैं कि फिर से एक बार कृष्ण के जमाने की तरह उत्तर प्रदेश में घी और दूध की नदियां बहें, पशुधन एक किसान का सहारा।
इसलिए हमने तय किया है कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को पलायन के लिए जिम्मेदार माना जाएगा और पुलिस और एक डेप्यूटी कलेक्टर की टीम बनेगी जो गांव में सांप्रदायिक तनाव के कारण कोई पलायन न कर जाए इसको सुनिश्चित करेगी और सबको रहने का अधिकार सम्मान के साथ मिले इसकी चिंता करेगी। सभी नागरिकों का भाइया धर्म और जाति के भेदभाव के बगैर सुनिश्चित किया। जो पत्रकार दिल्ली से आए हो शायद उनको लगेगा कि इसमें क्या नई बात है, आप देवरिया नहीं, सलेमपुर नहीं, आप रॉबर्ट्सगंज नहीं गए, थाने में जाते ही पूछते हैं कौन जाति है कौन धर्म है, अगर अनुकूलता है तो ही प्राथमिकी दर्ज होती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर एक नागरिक की प्राथमिकी 24 घंटे में दर्ज करने की एक तकनीकी व्यवस्था सुनिश्चित करेगी। मित्रों जेलों का आधुनिकरण करके अंदर से गैंग चलाने वाले सभी गुंडों पर नकेल कसनी जाएगी। जो लगभग लगभग 40,000 से ज्यादा अपराधी उत्तर प्रदेश के अंदर पैरों फरों को उड़ा कर बाहर घूम रहे अपराध कर रहे हैं, हम 45 दिनों के अंदर ही सभी फरार अपराधियों को फिर से एक बार जेलों के अंदर बंद करने के लिए एक कार्यबल का घोषणा करेंगे। 100 हेल्पलाइन जो है उसको घोषणा तो कर दिया कॉस्मेटिक तरीके से, मगर मैं कहना चाहता हूँ गाँव के गाँव में से अगर कोई 100 नंबर का डायल करता है तो 2.5 घंटे तक कोई आने वाला नहीं। ये 100 नंबर की व्यवस्था जो अभी बनाई है डायल 100 इसको हम अपग्रेड करेंगे और कहीं पर भी 15 मिनट के अंदर पुलिस सहायता पूरे प्रदेश के अंदर उपलब्ध हो इस प्रकार की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। मित्रों भू माफियाओं ने पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर कहर गरीब की जमीनों सरकार की जमीनों किसी विधवा की जमीनों किसी पिछड़े की जमीनों किसी दलित दलित की जमीनों इसको सत्ताधारी पार्टी के लोगों ने हत्या किया। हमने तय किया है कि नई सरकार बनने के बाद एंटी भू माफिया टास्क फोर्स हर जिले में बनाया जाएगा और भू माफियाओं पर एक कठोर कार्यवाही की जाएगी। मित्रों 15 साल में जो भ्रष्टाचार के मामले आए हैं इसके लिए भी हम एक विशेष टास्क फोर्स का गठन करेंगे और सबको सजा मिले वो सुनिश्चित करेंगे। अवैध खनन को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए खनन माफियाओं के लिए भी एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाया जाएगा और जिन्होंने भी ये 15 साल में खनन चोरी करी है वो सभी को कठोर दंड मिले वो सुनिश्चित किया जाएगा। मित्रों सबसे बड़ा भ्रष्टाचार अगर उत्तर प्रदेश के अंदर होता है तो बहाली में इंटरव्यू में नौकरी में नौकरी के अंदर इस प्रकार की स्थिति ला दी कि हाईकोर्ट ने पब्लिक सर्विस कमीशन के अध्यक्ष को निरस्त उठा देना, एक एक वर्दी कोई भी उसको जाति क्या था धर्म क्या था 75-75% 60-60% लोग एक ही जाते हमेशा जिस युवा के अंदर पावत होगा जिस युवा के साथ मेरिट उसको हम आगे बढ़ाते इसलिए हमने तय किया है वर्ग 3 और वर्ग 4 के सारी भर्तियों में से इंटरव्यू समाप्त कर दिए जाएंगे और सिर्फ उसकी मेरिट पर उसको बहाली कर दी जाएगी जिससे भ्रष्टाचार का कोई प्रश्न ही न हो। मित्रों भ्रष्टाचार की शिकायत दर्ज करने वाले सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय की निगरानी के अंदर देखे जाएंगे। हर युवा को मिले रोजगार, अगले 5 साल में हम 70 लाख रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसर पैदा करने का उत्तर प्रदेश की जनता को वादा करते हैं। मित्रों उत्तर प्रदेश में स्थापित हर उद्योग में 90% नौकरी उत्तर प्रदेश के ही युवा को मिले ये हम सुनिश्चित करते हैं। मित्रों सरकार बनने के 90 दिन के अंदर सभी खाली पड़े सरकारी पदों को भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जाएगी। कौशल विकास को भी बहुत बल दिया जाएगा। 1,000 करोड़ के शुरुआत से एक स्टार्टअप वेंचर कैपिटल फंड की स्थापना होगी और हम उत्तर प्रदेश के युवाओं को एक स्टार्टअप के लिए एक बड़ा प्लेटफॉर्म उसके माध्यम से मित्रों देना चाहते हैं। मित्रों अभी जो लैपटॉप दिया है उसमें भी जाति और धर्म के आधार पर बहुत भेदभाव है। हम युवाओं को लैपटॉप तो देंगे मगर इसमें सबका साथ सबका विकास की तरह हर व्यक्ति को लैपटॉप मिल पाए ये सुनिश्चित कर
सरकार की ओर से दिए जाए। मित्रों, शिक्षा में गुणवत्ता का विस्तार, सभी लड़कियों को अल्याभाई कन्या निःशुल्क शिक्षा योजना के तहत ग्रेजुएशन तक की शिक्षा निःशुल्क प्रदान की जाएगी। सभी लड़कों को 12वीं कक्षा तक की शिक्षा निःशुल्क प्रदान की जाएगी, और अगर 50% से ज्यादा मार्क लाते हैं तो लड़कों को भी 50% से ज्यादा मार्क लाने वाले लड़कों को ग्रेजुएट तक की शिक्षा निःशुल्क प्रदान की जाएगी। मित्रों, गरीब परिवारों के मेधावी छात्रों के लिए 500 करोड़ का एक बाबा साहेब अम्बेडकर छात्रवृत्ति कोष बनाया जाएगा, जो गरीब पिछड़े और दलित बच्चों को आगे पढ़ने की सुविधा देगा। उत्तर प्रदेश में 10 नए अंतरराष्ट्रीय स्तर के विश्वविद्यालय बनाए जाएंगे। हर कॉलेज में इंजीनियरिंग या तो पॉलिटेक्निक कॉलेज की शुरुआत की जाएगी। सभी कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में मुफ्त वाईफाई की सुविधा नई सरकार की ओर से दी जाएगी। प्रदेश के सभी शिक्षा मित्रों की रोजगार की जो समस्या है और जो प्रश्न अभी कानूनी पचड़े में पड़ा है, सरकार बनने के 3 महीने के अंदर शिक्षा मित्रों के प्रश्न को एक भारतीय जनता पार्टी के बनने वाली सरकार हल कर देगी। और उत्तर प्रदेश में हम महामना मदन मोहन मालवीय संस्कृत विश्वविद्यालय की भी स्थापना करेंगे। मित्रों, गरीबी से मुक्ति का सपना साकार, प्रदेश के सभी गरीबों तक बिना जाति और धर्म के भेदभाव से एक गरीब कल्याण कार्ड दिया जाएगा। ये मल्टी पर्पस कार्ड गरीबी के खिलाफ लड़ाई में इनके काम आएगा। स्वास्थ्य सुविधाएं उसी कार्ड से कैशलेस प्राप्त हो पाएगी। गरीब कल्याण कार्ड के जरिए 1 करोड़ से अधिक गरीब परिवारों को बिजली, पानी और शौचालय के साथ पक्के मकान के निर्माण के लिए 6 लाख तक का आवासीय रूम रियायती दरों से सरकार की ओर से दिया जाएगा। और सभी असंगठित श्रमिकों को ठेला गाड़ी चलाने वाला, दुकान होटल में काम करने वाला, रेकड़ी चलाने वाला, हलवाई फूड पर काम करने वाला, रिक्शा चालक, इस प्रकार के सभी असंगठित मजदूरों को 2 लाख तक का बीमा कवर सरकार की ओर से दिया जाएगा। बुनियादी विकास, मित्रों, प्रदेश के हर घर में हम 5 साल के अंदर 24 घंटा बिजली पहुंचाने का वचन उत्तर प्रदेश की जनता को हमने कर दिया। आप जाकर आइए गुजरात में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, हर घर में 24 घंटा बिजली पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी की जहां जहां सरकारें हैं वहां हमने समाप्त कर दिया है। मोदी जी ने तय किया है कि 2019 के पहले एक भी गाँव ऐसा नहीं होगा जहां पर बिजली नहीं पहुंची होगी, और उत्तर प्रदेश की नई सरकार एक भी घर ऐसा नहीं छोड़ेगी जहां पर बिजली नहीं पहुंची होगी। सभी गरीब घरों को बिजली की पहली 100 यूनिट 3 रुपया प्रति यूनिट की रियायत दर पर दी जाएगी। पाइप कनेक्शन के माध्यम से सभी घरों में स्वच्छ पेयजल चौराहे पहुंचाने का एक मिशन भी हम शुरू करेंगे। अगले 5 साल में प्रदेश के सभी घरों में शौचालय भी पहुंचाने का हम लक्ष्य रखते हैं। सभी गरीब घरों में निशुल्क LPG कनेक्शन पहुंचाने का काम हम करेंगे। उज्ज्वला योजना ने आधा काम पूरा कर दिया है। नई सरकार उत्तर प्रदेश की जनता के आशीर्वाद से जो बनेगी, ये हर घर में LPG पहुंचाने का काम कर देगी, और शहर में पाइप के माध्यम से PNG रसोई गैस पहुंचाने का काम भी हम करेंगे। गाँव के लिए मिनी बस सेवा करकर हर गांव को तहसील सेंटर के साथ जोड़ा गया जाएगा। हर 4 गांव के बीच में एक चंद्रशेखर आचार्य ग्रामीण विकास सचिवालय की स्थापना होगी। तो भारत सरकार और राज्य सरकार के सभी गरीबों के कामों को आगे बढ़ाएगी। भारत सरकार की नेशनलाइज बैंक, कमर्शियल बैंक और कोऑपरेटिव बैंक मिलकर 25,000 से ज्यादा गाँव में 5 साल में बैंक सेवा उपलब्ध कराने का भी प्रयास करेंगे। की मेट्रो स्टेशन सेवा का विस्तार किया जाए, सिर्फ उद्घाटन के फोटो खिंचाने की भी बात नहीं कर रहे। आज भी आप उद्घाटन हो चुका है लखनऊ में, इसमें से कोई भी व्यक्ति अगर मेट्रो में बैठना चाहे तो बैठ सकता है या नहीं बैठ सकता है, मैं पूछना चाहता हूँ। ऐसी नहीं, 7 जगहों जिसके साथ सुरक्षित रूप से परिवार के साथ उत्तर प्रदेश की जनता यात्रा कर सके, इस प्रकार की मेट्रो सेवा लखनऊ और नोएडा में उसका विस्तार करेंगे। कानपुर, आगरा, इलाहाबाद, गोरखपुर, झांसी और गाजियाबाद में मेट्रो सेवा का तुरंत आरंभ किया जाएगा। प्रदेश के सभी 6 क्षेत्रों के बाकी देश से
हवाई कनेक्टिविटी सुधारने के लिए भारत सरकार के सहयोग से नए हवाई अड्डे बनाए जाएंगे। सभी छह क्षेत्रों में मुख्य पर्यटन स्थल लखनऊ, मथुरा, वृंदावन, अयोध्या, प्रयाग, विंध्याचल, नैमिषारण्य, चित्रकूट, कुशीनगर, वाराणसी और गोरखपुर के लिए हेलीकॉप्टर सेवा शुरू की जाएगी, जो पवन हंस की तर्ज पर चलेगी, लोगों को ये सभी स्थानों में पहुंचाने में उनकी सेवा करेगी। बुंदेलखंड के सर्वांगीण विकास के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय की निगरानी में बुंदेलखंड विकास का गठन किया जाएगा, विकास बोर्ड का गठन किया जाएगा। पूर्वांचल के सर्वांगीण विकास के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय की निगरानी में पूर्वांचल विकास बोर्ड का भी गठन किया जाएगा। मित्रों, विकसित उद्योग सुगम व्यापार सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय की निगरानी में सिंगल विंडो क्लियरेंस की सिस्टम चलाई जाएगी। प्रदेश में टेक्नोलॉजी और सर्विस क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए 6 आईटी पार्क की स्थापना की जाएगी। प्रदेश में अंग्रेजी दवाओं की आवश्यकता एवं खपत को पूरा करने के लिए फार्मा पार्क की भी स्थापना की जाएगी। 1,000 करोड़ की कोष निधि के साथ विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना लागू की जाएगी, जिसके तहत बढ़ई, मोची, दर्जी, टोकरी, बुनकर, नाई, सुथार, सुनार, लोहार, कुम्हार, हलवाई जैसी पारंपरिक स्वरोजगारियों को ऋण देने का काम किया जाएगा। मित्रों, प्रदेश में व्यापारियों के हित की रक्षा के लिए व्यापार कल्याण बोर्ड की स्थापना की जाएगी। वो व्यापार कल्याण बोर्ड भामाशाह व्यापार कल्याण बोर्ड के नाम से जाना जाएगा। व्यापारियों के विवाद को सुलझाने के लिए हर एक जिले में एक विशेष मध्यस्थता प्राधिकरण गठित किया जाएगा। सरकार समर्थित लॉजिस्टिक के साथ एक ई कॉमर्स पोर्टल स्थापित किया जाएगा, जिसके द्वारा प्रदेश के पारंपरिक हस्तशिल्पों को अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुंचाया जाएगा। सशक्त नारी समान अधिकार भाग्यलक्ष्मी योजना के अंतर्गत प्रदेश की हर गरीब परिवार में जन्मी बेटी को 50,000 का विकास मान दिया जाएगा। बेटी कक्षा 6 में पहुंचने पर 3,000, 8 में पहुंचने पर 5,000, 10 में पहुंचने पर 7,000 और 12 में पहुंचने पर 8,000 दिए जाएंगे। बेटी के 20 वर्ष के होने पर उसको 2,00,000 उपलब्ध कराया जाएगा। गरीब परिवारों में बेटी के जन्म लेते ही 5,000 रुपए की सहायता की जाएगी। 3 नई महिला पुलिस बटालियन बनाई जाएगी, अवंतीबाई बटालियन, जलकारीबाई बटालियन और उदादेवी बटालियन। इन 3 बटालियनों के माध्यम से महिला सुरक्षा के लिए एक टास्क फोर्स बनाया जाएगा। महिला उत्पीड़न के मामलों में 1,000 महिला अफसरों का विशेष शांतर हर जिले में तैनात पूरी तरह से बनाया जाएगा और 100 फास्ट ट्रैक कोर्ट महिला उत्पीड़न के मामलों के निपटारे के लिए बनाया जाएगा। प्रदेश के हर जिले में 3 महिला पुलिस स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। हर कॉलेज के नजदीक छात्राओं को अपनी पढ़ाई लिखाई ठीक से कर पाए, इसके लिए एंटी रोमियो दल बनाए जाएंगे। विधवा पेंशन की राशि बढ़ाकर 1,000 दी जाएगी। विधवा पेंशन के लिए उम्र की जो सीमा है उसको समाप्त कर दिया जाएगा। मित्रों, इसके साथ साथ अभी देश की सर्वोच्च अदालत में ट्रिपल तलाक पर एक मुकदमा लंबित है, जिस पर स्टैंड लेना है। हम प्रदेश भर की मुस्लिम महिलाओं की इच्छा पूछेंगे और इच्छा जानने के बाद मुस्लिम महिलाओं को भी अपने अधिकारों की रक्षा के लिए जो अभिप्राय आएगा, उत्तर प्रदेश सरकार पार्टी बनकर ट्रिपल तलाक के मामले में एक अपना हकारात्मक सोच महिला अधिकारों की सुरक्षा के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेंगे। स्वस्थ हो हर घर परिवार, 108 एम्बुलेंस की सेवा का विस्तार किया जाएगा और सुधार होकर सिर्फ दिखावे के लिए 15 मिनट में ही कॉल करने के साथ एक संपूर्ण सुविधाओं से लैस 108 एम्बुलेंस पहुंचे, इस प्रकार से इस सेवा को अपग्रेड कराया जाएगा। हर ब्लॉक में जेनरिक दवाओं वाले दवाखाने शुरू कराए जाएंगे और जेनरिक दवाओं को लगभग एवरेज 60% से कम दामों में गरीबों को उपलब्ध कराया जाएगा। प्रदेश में 25 नए मेडिकल कॉलेज एवं सुपर स्पेशलिटी अस्पताल स्थापित किए जाएंगे, जिससे उत्तर प्रदेश के मेधावी छात्रों को डॉक्टर बनने का एक मौका उपलब्ध हो सके। प्रदेश में 6 क्षेत्रों में एक एम्स तक का अस्पताल बनाया जाएगा। इस तरह से 6 नए एम्स के अस्पताल प्रदेश में बनाए जाएंगे और अंत में आप सभी लोग शायद जिसकी राह देख रहे हैं राम जन्मभूमि मंदिर का मामला भारतीय
जल्द राम मंदिर बने इसके लिए प्रयत्नशील रहेगी। मित्रों, एक बहुत बड़ा खाका उत्तर प्रदेश के विकास का खींचने का हमारे पार्टी के नेताओं ने बनाया है। उत्तर प्रदेश के सभी नेताओं ने प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में इस एजेंडा को तैयार किया है। प्रिंटिंग प्रिंट किया हुआ हमारा संकल्प पत्र आपको भी थोड़ी देर में मिल जाएगा, उसकी कुछ झलक मैंने आपको बताई है। मैं आशा करता हूँ मित्रों कि उत्तर प्रदेश में हमारी जो अपेक्षा है, उत्तर प्रदेश में जाति विहीन जिस प्रकार की जातिवादी राजनीति को समाप्ति होगी, परिवारवाद की राजनीति की समाप्ति होगी और पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस के नए युग की शुरुआत होगी। मित्रों, मैं मानता हूं कि इस जनादेश के बाद जो सरकार बनेगी वो भारतीय जनता पार्टी की होगी। 300 से ज्यादा सीटें जीतकर भारतीय जनता पार्टी सबसे मजबूत सरकार आने के बाद ही उत्तर प्रदेश में बनाएगी और 5 ही साल में उत्तर प्रदेश को देश के प्रदेशों की सूची में सर्वोच्च स्थान पर बिठाकर न केवल उत्तर प्रदेश के देश के विकास करने में भी कंट्रीब्यूशन करेगी। जब तक उत्तर प्रदेश का विकास नहीं, जब तक उत्तर प्रदेश का डबल डिजिट ग्रोथ रेट नहीं होता, देश का डबल डिजिट ग्रोथ रेट होना असंभव है। इसलिए देश के विकास के लिए भी उत्तर प्रदेश का विकास बहुत जरूरी है। मैं मानता हूँ उत्तर प्रदेश की जनता के हर वर्ग की समस्याओं को हमने सुना है, उसको समझा है। इसके समाधान के लिए हमारे तज्ञों ने बहुत सारा परिश्रम किया है और एक योजनाओं के दूरस्थ के साथ हम उत्तर प्रदेश की जनता के सामने जा रहे हैं। तो मैं आशा करता हूँ इस संकल्प पत्र को उत्तर प्रदेश की 20 करोड़ से ज्यादा जनता का आशीर्वाद मिलेगा और भारतीय